सभी मिलकर के एक बार बोलेंगे, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ओम, थोड़ी सी और रिपीट कर दो, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की। महर्षि स्वामी दयानंद महाराज की। ओम ओम, थोड़ी सी रिपीट डालो, रिपीट। ओम 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 ओम। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से जिस पवित्र शुभ संकल्प को आपने धारण किया, कल से लगातार आप पवित्र यज्ञ के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से, अतिथियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से सुन रहे हैं। आइए आज के दिवस में कुछ चर्चाएं, और जैसा कि यहाँ वातावरण आपने देखा, महर्षि स्वामी दयानंद महाराज ने सबसे अधिक महिलाओं की शिक्षा संस्कारों पर अधिक बल दिया, और उसी का एक प्रतिरूप आपके बीच में दिखाई दिया। ये जो सत्र आज दिखाई दिया, यहाँ पर महिलाओं के गौरव, बेटियों के सम्मान, वर्चस्व, अस्तित्व, चरित्र और उनकी बातें आपको सुनने को मिली। गुरुकुल शिक्षा का क्या प्रभाव बेटियों पर पड़ता है, क्या प्रभाव बेटों पर होता है, परंतु क्यों जीवन में आवश्यक है, इन चीजों को लेकर के चर्चाएं हो रही। आइए यहीं से प्रारंभ करती हूँ, अपनी बहनों को समर्पित करते हुए ये पंक्तियाँ कि जब गुरुकुल में संस्कार मेरी बहनें होंगी, मेरी बेटियां होंगी, तो फिर मेरा भारत देश, बोलो वो देश होगा जिसकी कल्पना लेकर के विदेशी यहाँ पर आया करते थे, जिसको आज आप सब ढूंढते हैं, खोजते हैं कहाँ गया वो देश। तो निवेदन कर दूं, कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियों में लिखा, यहीं से प्रारंभ करती हूँ, आप सुनिएगा। ए बहनों तुम्हें याद करो हे, बहनों तुम्हें याद करो हे, अरे कौरव मई कहा। Thank you.
ऐसी बनकर के सड़कों पर निकले कि कोई उनकी तरफ कुदृष्टि ना डाल सके। आजकल सुनते हैं ना बहनों की 35-35 टुकड़ों में बेटियां सूटकेस में बंद करके जंगलों में फेंक दी जाती हैं। एक समय ऐसा भी था भारत का कि 23 साल की लक्ष्मी बाई अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काट रही थी। यहाँ की बेटियां कटती नहीं थी बल्कि काट लिया करती थी। ये जो बीच में अंतर आया कि काटने वाली बेटियां कटने लगी है, यदि इस अंतर को आपको भरना है तो आपके पास विकल्प है गुरुकुल की शिक्षा। और जैसी हमारी बहन बैठी है प्रीति आर्या, इनके सानिध्य में जब आप अपनी बेटियों को छोड़ोगे तो वो जुड़े कराठे, वो सारी शिक्षा उनके पास होगी कि फिर वह अपनी आत्मरक्षा आत्मसम्मान को बचाने वाली बनेगी। वहां फिर वो बेटियां छुई मुई बन करके नहीं रहेगी। तो एक बार तालियों से सम्मान बढ़ाएंगे सिद्धेश स्वामी जी महाराज का। ये इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे दादाजी, मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, पहली बार देख रही हूँ, दादाजी भी पहली बार ही देख रहे होंगे। 100 रुपए देकर के मेरा सम्मान बढ़ाते हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पावन पवित्र वेदी पर विराजमान है, नाम से मैं परिचित नहीं, सभी का सम्मान करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत समय हो गया है आप प्रातः काल से तपस्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। सभी का सम्मान करते हुए हमारे बीच में बहुत ही कर्मठ जुझारू व्यक्तित्व के धनी और जिनका विशेष स्नेह मुझसे रहता है, मैं कल से देख रही हूँ एक बेटी की तरह बार बार आशीर्वाद और उत्साह मेरा बढ़ा रहे हैं, सदेश श्री वीरेंद्र जी आर्य, आपका भी मैं बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। ताली से आप उनका सम्मान बढ़ाएंगे। और उन्हीं के समीप में बैठे हुए मेरे बड़े भाई, मेरे धर्म के भाई, मेरी कर्म और जन्म भूमि हम दोनों की एक ही है, भाई सहस्त्रपाल आर्य जी। जैसा निर्माण बेटियों का प्रीति बहन करती है, ऐसा निर्माण मेरे भाई गुरुकुल धीरणवास में आपके बच्चों का, बेटों का करते हैं। एक बार तालियों से आप भाई सहस्त्रपाल के लिए तालियां बजा करके सम्मान बढ़ाएंगे। उपस्थित सम्मानित समस्त आर्य भक्त पुरुषों, भाई जिनका नाम रह गया होगा भूलवश वो पीछे बैठे हैं, सभी का सम्मान करती हूँ। आइए थोड़ी सी चर्चाएं आगे करके चलो। तालियां बजाओ तो ढंग से बजाओ, काम करो तो ढंग से करो, वरना करो ही मत। यहाँ इस वेदी की शोभा को बढ़ा रही है गुरुकुल डोभी हिसार की बहुत ही शालीनता से भरी हुई, विनम्रता भाव से भरी हुई प्रचार्या जी विद्योत्मा आर्या जी। एक बार तालियों से आप इनका भी सम्मान बढ़ाएंगे। और हाँ जी, उन्हीं के साथ में हमारी बहन मोनिका जी जो एक सूत्राधार और रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है सारी इस गुरुकुल के अंदर, उनका भी सम्मान। और सबके हाथी के पैर में सूरी का पैर है भाई, इस गुरुकुल के कुलपति बहुत ही कर्मठता के साथ विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आप बेटियों में संस्कारित करने का प्रयास कर रहे हैं, सदेश श्री बलजीत जी आर्य, उनके भाई साहब श्री दलजीत जी आर्य, श्री परमजीत जी आर्य, श्री करमजीत जी आर्य, समस्त आर्य भाइयों के लिए तालियां बजा करके आप सम्मान बढ़ाएंगे। आइए मैं निवेदन कर दूं अपनी बहनों के बीच में, मेरी बहनों याद रखना, एक समय था यहाँ पर मैंने प्रारंभ में कह दिया कि मेरे देश की नारी कमजोर नहीं थी, अबला नहीं थी, बुद्धि नहीं थी। यदि कोई विरोधी विधर्मी उनके सामने आकर के और कुदृष्टि या कुचेष्टाएं उनके समक्ष करता था तो बोलो मैदान में आकर के खड़ी हो जाया करती थी। क्या कर दिया मेरे माइक ने, 500 रुपए सधे श्री शमशेर सिंह जी नेहरा डोभी से दे रहे हैं। एक बार भाई साहब के लिए तालियों से आप ही सम्मान बढ़ा दो भाई, तालियां तो बजा लो बच्चों। तपस्या है बच्चों की, भाई सुबह से बैठे हैं। आइए निवेदन कर दो आपके बीच में, गोंडवाना की रानी दुर्गावती जिन्होंने अपने जीवन में एक नहीं बल्कि 52 लड़ाइयां लड़ी है बहनों, 52, और वो
ध्यान से सुनना भाई, थोड़ी रिपीट रख मेरी आवाज में। वो सास के साथ नहीं थी लड़ाई, देवरानी के साथ नहीं थी, वो ननद के साथ नहीं थी, पड़ोसियों के साथ नहीं थी, वो मुगलों के साथ लड़ी थी बावन और बावन लड़ाइयां लड़ते हुए रानी दुर्गावती ने प्रस्त किया। आइए, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि समय नहीं है, तो एक भजन मैं आपके बीच में रखूंगी क्योंकि मुझे भी निकलना है, मेरा देहरादून में कार्यक्रम है, तो फिर उसी हिसाब से मैंने इस समय को निर्धारित किया था। एक भजन मैं आपके बीच में वो रखूंगी अपनी बहनों के लिए। मेरे बाद बहुत अच्छा व्यायाम प्रदर्शन, सरिया मोड़ना आदि इस प्रकार की क्रियाएं आपके बीच में रहेंगी, वो आप देखिएगा। ये भजन बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और फिर यहाँ से आप लोगों से विदाई लूंगी, फिर ईश्वर की कृपा रहेगी फिर मैं आपके बीच में आऊंगी। अभी केवल एक भजन आपके बीच में, ये सुनिएगा, बहुत सुंदर कवि ने लिखा है और क्या कह दिया।